वेलकम टू ईशानी वीडियोस। भाग्य लक्ष्मी के आने वाले एपिसोड में ऋषि और लक्ष्मी बनने वाले हैं कृष्ण और राधा, और वहीं दूसरी तरफ काफी ज्यादा परेशान होते हुए नजर आने वाली है मलिष्का। और इस जन्माष्टमी स्पेशल एपिसोड के दौरान काफी ज्यादा बड़े बदलाव होते हुए नजर आएंगे। ऋषि लक्ष्मी के बीच में नजदीकियां बढ़ेंगी, ऋषि और लक्ष्मी नजदीक आएंगे, और उसके बीच में यहां पर अब सामने आकर नीलम खुद मदद करेगी पारो की, और लक्ष्मी को वो काफी ज्यादा खुश रखने की कोशिश करेगी जिससे कि पारो को तकलीफ ना हो। अब आने वाले एपिसोड में नीलम की नजदीकियां लक्ष्मी से बढ़ते देख कर काफी ज्यादा गुस्सा होने वाली है मलिष्का भी, और वहीं दूसरी तरफ करिश्मा और उसके साथ साथ यहां पर अब मासी जो है वो काफी ज्यादा बड़ी प्लानिंग करने वाली है और उसके साथ 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 देने वाली है मलिष्का का। आखिर में मलिष्का का अगला प्लान कौन सा है, क्या खास दिखाया जाएगा, जल्दी से आपको चलिए सारी बातें बताते हैं इस वीडियो के अंदर। उसे बताने से पहले आप सब जल्दी से एक लाइक जरूर कर देना, चैनल पर नए अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि हम आपको ऐसी ही रियल और इंटरेस्टिंग अपडेट हमेशा प्रोवाइड कराते रहते हैं। अब आने वाले एपिसोड में आप सबको देखने को मिलेगा कि सबसे पहले यहां पर अब काफी ज्यादा कोशिश करते हुए नजर आने वाली है मलिष्का कि जो जन्माष्टमी स्पेशल एपिसोड आ रहे हैं उसके अंदर वो पूरी तरह से सही दिखे, और उसके साथ साथ यहाँ पर ऋषि से वो नजदीकियां बढ़ाए और नीलम के बीच में यहाँ पर और उसके बीच में जो नीलम की और उसके बीच में जो गलतफहमियां हैं उसको दूर करे। लेकिन इसका अपोजिट होगा, क्योंकि मलिष्का का दिमाग है थोड़ा शातिर और वो यहाँ पर पारो को चोट पहुंचाना चाहती है, क्योंकि पारो उसे बिल्कुल पसंद नहीं है। इसी वजह से वो यहाँ पर अब पारो के ऊपर काफी ज्यादा बुरी तरह से हमला करने की कोशिश करेगी। हमला यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि किसी ना किसी तरह से वो चोट पहुंचाने की कोशिश करेगी पारो को, जिसके अंदर यहाँ पर लक्ष्मी अब अपने बच्चे को बचाकर और यहाँ पर अब नीलम को ये देखकर कि पारो को यहाँ पर चोट पहुंचाने वाली कोई और नहीं बल्कि मलिष्का है, वो मलिष्का के खिलाफ हो जाएगी और मलिष्का यहीं पर बीचों बीच में दबने वाली है। तो आप कितने ज्यादा एक्साइटेड सब देखने के लिए कमेंट करके जरूर बता देना।